हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है थोड़ा एक बार फिर तो पंजाब न्यूज चैनल दे विच। ते मैं हाँ तरसेम सिंह मठाड़ू ते हारू दी तरह लैके हाजिर हुए अज दे दियां वड्डियां खबरां। कृपा करके जिन्होंने चैनल नूं सबसक्राइब नहीं कीता सबसक्राइब जरूर कर लैन ते नाल लगे बैल दे आइकोन नूं जरूर प्रेस कर लैन तां जो जिहड़ी असीं नवीं वीडियो पावांगे उहदी तुहानूं नोटिफिकेशन मिल जाया करूगी। तो दूजी बेनती यह है कि जो मेरे द्वारा दी जानकारी तुहानूं वधिया लगी तो वीडियो नूं लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। हुण गल्लबात करदे हां जी देश भर दीआं ते विदेशी खबरां दे बारे। खबरां शुरू करते पहले एक बार नज़र मारते हैं चोणवी खबरां ते। पहली चोणवी खबर है जी कि फास्टैग लगवाया है तो 5 जुलाई तक कर लो ये जरूरी काम, नहीं तो होगी वड्डी परेशानी। राशन कार्ड नूं आधार नाल लिंक करो लिंक, वरना नहीं मिलेगा सरकारी सहूलत का लाभ। वट्सएप ते हुण कर सकोगे मनी ट्रांसफर, जानो किवें काम करेगी पेमेंट सर्विस। हाई कोर्ट वल्लों सिक्ख्या विभाग ते स्कूल बोर्ड नूं नोटिस जारी। मौसम का हाल, अज मिलेगी गर्मी तो राहत, पंजाब च मीह ने चेहरियां ते लियांदी रौनक। गलवान हिंसक झड़प तो बाद चीन ने 2 मेजर ते 10 भारतीय सेना के जवानों नूं कीता रिहा। बचत करने लई पंजाब सरकार ने घड़े नवीं स्कीम, खुद करवाएगी कर्मचारियों के मोबाइल विच रीचार्ज। SBI ने करोड़ा गाहकों नूं कीता अलर्ट, 21 जून नूं बंद रह सकती है ई सर्विस। वड्डी खबर, दिल्ली के प्राइवेट हस्पतालों च करोना का इलाज करना होगा सस्ता, देखो पूरी लिस्ट। इंडिया चाइना टेंशन, चीन नूं पहला वड्डा झटका, रेलवे ने रद्द किया 471 करोड़ रुपए का ठेका। पंजाब च करोना का प्रकोप वध्या, अज 118 नवे मरीज आए ते हुई 5 मौत। BSNL की खास पेशकश, बिना रिचार्ज मिलेगा 50 रुपए तक का टॉक टाइम। इस राज्य में करोना के सब तो वध केस, फिर भी स्कूल और कॉलेज खुलेंगे 1 जुलाई तो। दोस्तों इस समय दी चोणवीं खबरां ते गलबात करते हैं जी कि पहली वड्डी खबर दी कि फास्टैग लगवाया है तो 5 जुलाई तक कर लो ये जरूरी काम, नहीं तो होगी वड्डी परेशानी। जी हाँ दोस्तों, अज की जी पहली वड्डी खबर है जी कि फास्टैग ने देश के सारे टोल नाकों ते गड्डियां ते लंबी लाइन तो बचने लई 1 दिसंबर 2019 तो फास्टैग जरूरी किया होया। समय की बचत तो इलावा इस जरिए डिजिटल पेमेंट में भी हलाशेरी मिल रही है। जेकर तुम SBI फास्टैग का इस्तेमाल कर रहे हो तो तुहानू 5 जुलाई तो पहले इसको अपडेट करवाना पवेगा, नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पै सकता है। देश के सब तो वड्डे सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फास्टैग कस्टमर नूं मैसेज भेज के अपने अकाउंट च पैन कार्ड की तस्वीर अपडेट करने लई कहा। तो दोस्तों जल्द ही जिन्होंने फास्टैग लगवाया है वो अपने जिहड़ा अकाउंट में पैन कार्ड नूं जरूर अपडेट कर लैन। अगले वड्डी खबर है जी कि राशन कार्ड नूं आधार नाल लिंक करो, वरना नहीं मिलेगा सरकारी सहूलत का लाभ। जी हाँ दोस्तों, दूजी वड्डी खबर भी जी है जी बहुत ही काम की खबर है जी कि COVID-19 महामारी की वजह नाल सरकार ने राशन कार्ड नूं आधार नाल लिंक करने डेडलाइन 30 सितंबर तक वधा दी है। सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम तहत हुण राशन कार्ड ते देश के किसी भी लोक वंड प्रणाली PDS की दुकान तो राशन लिया जा सकता है। जेकर राशन कार्ड 3 सितंबर तक आधार नाल लिंक नहीं किया तो लाभपात्री PDS सहूलत का लाभ नहीं मिलेगा। खपतकार मामलों के मंत्रालय ने सारे सूबे के केंद्र शासित प्रदेशों में स्पष्ट हदायत जारी की कि हाले भी किसी भी लाभपात्री उसका राशन देने तो इसलिए इनकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसका राशन कार्ड देने तो इसलिए इनकार जिहड़ा क्यों किया जाएगा, क्योंकि उसका राशन कार्ड आधार नाल लिंक नहीं है। तो इसकी जी तारीख है जी 30 सितंबर तक वधा दी गई है। तो दोस्तों जल्दी तो जल्दी अपने राशन कार्ड नूं आधार नाल लिंक जरूर करवा लो। अगली वड्डी खबर है जी कि वट्सएप ते हुण कर सकोगे मनी ट्रांसफर, जाणो किवें काम करेगी पेमेंट सर्विस। वट्सएप ते जिहड़ा लंबे ट्रायल तो बाद आखिरकार अपनी पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है। तो लखां लोगों वालों टेस्ट किए जा रहे हैं। Facebook के मालिकाना हक वाली कंपनी ने इस फीचर को लॉन्च कर दिता है। वट्सएप पेमेंट की शुरुआत सब तो पहला भारत में नहीं बल्कि ब्राज़ील में की गई, तो इस तो बाद इतने हम लोग वट्सएप की मदद नाल चैट करने के अलावा पैसे भी ट्रांसफर कर सकेंगे। हालांकि पैसा ट्रांसफर कंपनी वालों पिछले साल पेश किए गए फीचर Facebook पे राही होगा। अगली वड्डी खबर है जी कि हाई कोर्ट वालों सिक्ख्या विभाग के स्कूल बोर्ड नूं नोटिस जारी। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने कल वीरवार नूं पंजाब दे सिक्ख्या विभाग स्कूल सिक्ख्या बोर्ड मोहाली कृष्ण कुमार सकत्तर सिक्ख्या नूं 6 अगस्त लई नोटिस जारी कर दिता गया। हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा के बेंच वालों ये कार्रवाई 28 कर्मचारियों ते PSEB इंपलाइज एसोसीएशन वालों दायर की गई पटीशन तहत की गई है। तो इस पटीशन तहत 435 असामियों खत्म करने विशेष भत्ते रोक लाने का मामला आ चुक है गया है।
पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वालों इस बारे लंघी 15 मई नूं मता पाया गया है। पटीशनकर्ता ने दोष लाया कि बोर्ड के पुनर्गठन का एजेंडा 15 मई वाली बैठक में अचानक ही टेबल एजेंडे वजो कथित तौर पर पेश कर दिता गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही हुई उक्त बैठक में शामिल हो रहे किसी मैंबर नूं यह एजेंडा सर्कूलेट नहीं किया गया। इसलिए जिहड़ा जी हाईकोर्ट वालों सिख्या विभाग नूं ते स्कूल बोर्ड नूं नोटिस जारी किए गए ने। अगली वड्डी खबर है जी कि मौसम का हाल, अज मिलेगी गर्मी तो राहत, पंजाब च मींह ने चेहरिया ते लियांदी रौनक। मानसून नूं लैके एक वड्डी खबर है जी कि देश के कई हिस्सों में मानसून ने अपना असर दिखाउणा जिहड़ा शुरू कर दिता ते तपदी गर्मी कारण हर कोई परेशान है ते इसदे चलदिआं हर कोई बारिश दा इंतजार कर रिहा ते मौसम विभाग अनुसार आने वाले 24 घंटे दौरान पंजाब च मौसम खुश्क रहण ते किते किते हल्का मींह पैण दी संभावना प्रगटाई जा रही है। इस दिन नाल ही अज सवेरे पंजाब च कई थावां ते बारिश देखण नूं मिली है जिस कारण लोगों की चेहरिया की रौनक आई है। तो पंजाब खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी के मौसम विभाग के माहिर अनुसार अगले 24 घंटे विचकार पंजाब च मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, पर फिर भी कई थावां ते हल्का मीह पै सकता है। इस नाल ही 20 जून यानी कि अज तेज़ हवावां चलन गरज चमक नाल छिट्टे भी पै सकते हैं। मौसम विभाग वालों इस दौरान सूबे के नीम पहाड़ियों के मैदानी इलाकों में तापमान 38 to 43 degrees Celsius तक जबकि दक्षणी पछ्छमी इलाकों में तापमान 40 to 45 degrees Celsius तक पहुँचने की संभावना प्रगटाई जा रही है। अगली वड्डी खबर जी कि गलवान हिंसक झड़प तो बाद चीन ने 2 मेजर और 10 भारतीय सैनिकों नूं दे जवानों नूं किया रिहा। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख सरहद ते गलवान घाटी में खूनी झड़प में चीनी फौज ने 10 भारतीय सेना के जवानों ने कुछ समा पहला बंदी बना लिया से एक न्यूज़ एजेंसी अनुसार चीनी लोगों ने 10 भारतीय सैनिकों बंधक बनाया जिन्हों 2 मेजर भी शामिल ने जिन्होंने 3 दिनों की गलबात तो बाद रिहा कर दिया गया। हालांकि सेना वालों कोई अधिकारित बयान जारी नहीं किया गया। वीरवार को सेना ने अपने बयान में कहा कि इस कार्रवाई में कोई भी भारतीय सैनिक लापता नहीं है। हालांकि सेना वालों इस बारे कोई बयान नहीं जारी किया गया कि कोई भी जवानों को बंधक बनाया गया सी जां नहीं, पर PTI के अनुसार चीनी फौज ने 2 जवानों समेत 10 जवान रखे जिन्होंने 3 दिन बाद रिहा कर दिया गया। अगली वड्डी खबर है जी कि बचत कर ले, पंजाब सरकार ने घड़ी नवी स्कीम खुद करवाएगी कर्मचारियों के मोबाइल में रीचार्ज। पंजाब सरकार हुण कर्मचारियों के मोबाइल रीचार्ज खुद करवाएगी। जानकारी मुताबिक कर्म सरकार अपने खाते में कटौती करने लिए चुक रही है। इस संबंधी सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसके वित्त विभाग वालों तैयार किया गया। सूत्रों से मिली जानकारी मुताबिक सरकार किसी मोबाइल कंपनी नाल इस बारे गलबात कर रही है। यह फैसला सिर्फ मुलाजमान ही लागू होगा, मंत्री नहीं जो कि सरकार तो 15,000 रुपये प्रति महीना टेलीफोन भत्ता ले रहे ने। अगली वड्डी खबर है जी कि SBI ने करोड़ों ग्राहकों को किया अलर्ट, 21 जून को बंद रह सकती है ये सर्विस। जी हाँ दोस्तों, जेकर तुसी भारतीय स्टेट बैंक के गाहक हो तो तुहाडे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीरवार को स्टेट बैंक ने अपने ट्विटर हैंडल तो जानकारी दी कि इस दियां ऑनलाइन सेवाएं 21 जून 2020 बंद हो सकती ने। अजिही स्थिति में जो तुसी एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की योजना बना रहे हो तो इस दे अनुसार योजना बनाओ। तो कुछ दिन पहला ग्राहकों को SBI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लैन देन में मुश्किल आ रही थी। वीरवार को SBI ने एक ट्वीट में लिखा कि बैंक अपनी कुछ आरजियों लिए एक नवा वातावरण लागू कर रहा है, इसलिए 21 जून बैंक की ऑनलाइन सेवाओं को प्राप्त करने में मुश्किल हो सकती है। तो असं गाहकों को बेनती करते कि इस परेशानी से बचने लिए योजनावां बनाई जान। जो वीर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं जो एक दिन पहला या एक दिन बाद कर लैन। अगली वड्डी खबर है जी कि दिल्ली के प्राइवेट हस्पतालों में कोरोना का इलाज करना होगा सस्ता। जी हाँ दोस्तों, देश की राजधानी में कोरोना वायरस नाल जूझ रहे लोगों की एक राहत की खबर सामने आ रही है। केंद्र ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जिस में निजी हस्पतालों में इलाज दियां दरां नूं 2 तिहाई घटाने की सिफारिश की गई थी। तो दस दिए कि फिलहाल 24 to 25,000 रुपये प्रति दिन दिल्ली के निजी हस्पतालों में आइसोलेशन ले जाते हैं। तो इस दर कोविड हस्पतालों हैं जिथे कोरोना वायरस का इलाज किया जाता है। तो केंद्र वालों भी के पाल कमेटी दियां सिफारिशों स्वीकार करने तो बाद हुण कोरोना के मरीजों इस लिए 8 to 10,000 रुपये प्रति दिन अदा करने पैणगे। तो दस दई कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निजी हस्पतालों में कोरोना के इलाज दियां दरां नूं 2 तिहाई घटाने की सिफारिश की सी। तो हुण इस वेले मरीजों तो बिना वेंटीलेटर तो ICU लिए 34,000 to 43,000 रुपये प्रति दिन वसूल किए जा रहे हैं। तो इस दे नाल ही वेंटीलेटर नाल ICU लिए 44,000 to 53,000 रुपये फीस लई जा रही है। तो केंद्र तो हरी झंडी मिलने तो बाद कोरोना लाग वाले लोगों वेंटीलेटर तो हम बिना कोरोना संक्रमित 13,000 to 15,000 रुपये तक ICU वेंटीलेटर 15 to 18,000 रुपये प्रतिदिन देने पैणगे। इसलिए PPE किटा भी शामिल ने जदों के पहला अजिहा नहीं सी।
अगली वड्डी खबर, चीन ने पहला दिता चीन पहला वड्डा झटका। रेलवे ने रद्द कीतियां 471 करोड़ का ठेका। भारतीय रेलवे ने एक वड्डा फैसला लेंदे हुए ईस्टर्न फ्राइट कोरीडोर प्रोजैक्ट तो चीन की कंपनी का ठेका रद्द करने का फैसला किया है। रेलवे इस फैसले को भारत से चीन में वाधे तनाव नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो चीन च कंपनी के ढिले रवैये के खराब प्रदर्शन देखते हुए कदम चुकया गया। तो चीन के बीजिंग नैशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नलिंग एंड कम्यूनीकेशन ग्रुप कंपनी रेलवे के प्रोजैक्ट च कानपुर के दीनदयाल नगर च 417 किलोमीटर की दूरी पर सिग्नल विछाने का काम कर रहे थे। तो इस दौरान पूर्वी लद्दाख चीन नाल चल रही खिचोतान दरमियान भारतीय हवाई फौज ने रूस तो 21 नवे MiG-29 के 12 SU-30 MKI समेत 33 नवे लड़ाकू जहाजों हासिल करने लिए एक प्रस्ताव बना के सरकार को भेज दिता है। तो 6 करोड़ रुपए तो ज़्यादा की लागत वाले प्रस्तावों अगले हफ्ते अंत मंजूरी लई रक्षा मंत्रालय की उच्च पदरी बैठक में रखा जाएगा। अगली वड्डी खबर जी कि पंजाब में कोरोना का प्रकोप वधे, अज 118 नवे मरीज आए सामने ते हुई 5 मौत। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में कोरोना वायरस का प्रकोप दिनों दिन वाधा जा रहा है। तो पंजाब में अज 118 नवे मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दे नाल हुण कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों की गिनती 3615 हो गई है। तो अज 5 होर मौत होने कारण कोरोना नाल मरन वाले की गिनती जी 83 हो गई है। तो सरकारी तौर पर प्राप्त आंकड़े मुताबक अज सब तो वध अमृतसर 39 और लुधियाना 21 नवे केस सामने आए। तो इस तरह पटियाला 12 और संगरूर के जिले में 8-8 जिहड़े मरीज सामने आए ने। अगली वड्डी खबर जी कि BSNL की खास पेशकश बिना रिचार्ज मिलेगा 50 रुपए तक का टॉक टाइम। भारत संचार निगम लिमिटेड वालों गाहकों 50 रुपए तक का टॉक टाइम लोन दिता जा रहा है। तो यह पेशकश BSNL टॉक टाइम लोन नाल आउंदी है। तो कंपनी यह पेशकश अजिहे समय लई लिआई है जदों कुछ गाहक अपने कोल कैश ना होने के चलते रिचार्ज नहीं करवा पा रहे। इस तो इलावा तालाबंदी असर भी पिया है। तो बाकी टेलीकॉम ऑपरेटर वालों भी गाहकों को राहत दी जा रही है। अज की लास्ट खबर है जी किस राज्य में कोरोना के सब तो वध केस, फिर भी स्कूल और कॉलेज खोलेंगे 1 जुलाई तो। कोरोना वायरस के कारण जिते देश में एक पासे सारे विद्यक अदारे बंद ने, तो महाराष्ट्र सरकार ने 1 जुलाई तो स्कूल और कॉलेज खोलन का ऐलान जरा कर दिता है। तो राज्य सरकार के फैसले अनुसार महाराष्ट्र ने 1 जुलाई तो जूनियर कॉलेजों के 9वीं तो 12वीं जमात के गैर रैड जोन खेत्र के स्कूल मुड़ खोलन का फैसला किया है। उस समय 6 से 8 क्लासा अगस्त में दोबारा खुलनगियां। तो फैसला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार शाम एक मीटिंग में लिया, जिस स्कूल सिक्ख्या मंत्री वर्षा गायकवाड़ और होर अधिकारी भी शिरकत कर रहे सन। तो दोस्तों ये अपन दिन भर दिया अज दिया ताज़ा वड्डिया खबर। तो साढ़े द्वारा दी जानकारी तुहानू किदां दी लगी सानू कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दे के जाना। तो असं हाजिर होवांगे तुहाडे लई अगले दिन दिया नवीं वड्डिया खबर लैके। हुंदे लई इन्ना ही, धन्यवाद दोस्तों।